हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को केमिकली टू टाइप से डिवाइड किया जाता है। मैटर आप और हम तो जानते हैं, मैंने आपको बताया है इससे पहले कि मैटर क्या होता है, जिसका कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। वह कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्या होना चाहिए, मास और वॉल्यूम, किस कैटेगरी में आएगा, मैटर की। चलिए मैटर को हम डिवाइड करते हैं फर्दर टू टाइप से केमिकली, जो कि है प्योर सब्सटेंस और सेकंड होता है बच्चों मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम से और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हो या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं। मटेरियल कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके साथ ही साथ H2 भी होगा, N2 भी होगा, O2 भी होगा और Cl2 भी होगा। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि एक ही प्रकार के एटम और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, सॉरी ये तो साथ में होगा ही, साथ में NH3, CO2 ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल है, H2O ये भी इसके एग्जाम्पल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ये NH3 है और ये CO2 है, ये H2O है, यहाँ पर दो प्रकार के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 में, और यहाँ यदि CO2 की बात की तो यहाँ की जाए तो यहाँ पर भी दो टाइप के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि ये शुद्ध पदार्थ कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंट टाइप के एटम है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। एक ग्लास में हमने क्या लिया, वाटर लिया, ये ग्लास है और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो चाहे आप यहाँ का पानी लेंगे तो भी ये H2O है, और यहाँ का पानी लेंगे तो भी ये H2O है, यहाँ का पानी लेंगे तो भी ये H2O है। यानी कि जो सारा पानी है वो H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यहाँ पर दूसरा कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, केवल और केवल H2O का मॉलिक्यूल है। तो इसलिए हम इसे किस कैटेगरी में रख रहे हैं, शुद्ध की कैटेगरी में रख रहे हैं कि जो भी पानी है वो किससे मिलकर बना है, H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा पानी जो है किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, H2O। चलिए फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है प्योर सब्सटेंस को किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। तो एलिमेंट्स क्या होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स। ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए लिखते हैं, कंटेनिंग वन टाइप ऑफ
अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, एग्जांपल क्या होंगे इसके? इसके एग्जांपल हो सकते हैं हाइड्रोजन होगा इसका एग्जांपल, ऑक्सीजन होगा इसका एग्जांपल, क्लोरीन होगा इसका एग्जांपल, नाइट्रोजन होगा इसका एग्जांपल, साथ ही साथ H2 होगा इसका एग्जांपल, O2 होगा इसका एग्जांपल, Cl2 होगा इसका एग्जांपल और N2 होगा इसका एग्जांपल। फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन तो ठीक है एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, मगर H2O2 Cl2 N2 ये कैसे एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं? तो जो डेफिनेशन है इसे अगर आप गौर से देखें तो क्या है, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम्स। तो यहाँ अगर आप H2 को देखोगे तो एक ही प्रकार के एटम है, सेम टाइप के एटम है H और H। यहाँ O2 को देखिए तो सेम टाइप के एटम है O और O। यहाँ क्लोरीन को देखिए सेम टाइप के एटम है क्लोरीन। N2 को देखिए सेम टाइप के एटम है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो H2O2 Cl2 और N2 भी किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा एलिमेंट्स के अंतर्गत। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं किसको, कंपाउंड को। अब कंपाउंड क्या होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके अंतर्गत एक या एक से मतलब एक से अधिक एटम आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशो में, और वो जो फिक्स रेशो होता है वो किसका होता है, वेट का। चलिए इसको लिखते हैं फिर और समझते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम विच आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो बाय वेट। क्या बोल रही है डेफिनेशन, कि जो कंपाउंड होता है वो एक से अधिक प्रकार के एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो कंपाउंड बनेगा उसमें एटम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, हमेशा और हमेशा फिक्स होगा। और यदि इस डेफिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो वो है क्या, वो है इन अ फिक्स्ड रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब कंपाउंड का हम देखते हैं एग्जांपल क्या हो सकता है कंपाउंड का। हो सकता है H2O होगा इसका एग्जांपल, अमोनिया होगा इसका एग्जांपल, CO2 होगा इसका एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसका एग्जांपल, मीथेन होगा इसका एग्जांपल, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं इसके एग्जांपल। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं कि कंपाउंड में कैसे फिक्स रेशो की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए H2O का एग्जांपल लेते हैं, ये सब जानते हैं ठीक है। तो H2O में क्या हो रहा है बच्चों, कि H2O का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। यहाँ पर डेफिनेशन में बात हो रही है फिक्स रेशो की ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, और हाइड्रोजन है कितने, 2। यहां पर लगाएंगे अनुपात, और ऑक्सीजन का होता है कितना, 16। तो यदि मैं रेशो की बात करूं तो 2:16, इसको और सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 1:8, यानी कि जो अनुपात आया हमारा क्या आया, 1:8 आया। यानी कि जो H2O का कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, ये बात फिक्स है। आप पानी को कहीं से भी प्राप्त करें, आप पानी को नाले का पानी ले आएं, आप RO का पानी ले आएं, आप अमेरिका का पानी ले आएं, आप किसी भी टाइप का पानी लाएंगे, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा, ये बात फिक्स है। और यही बात कही जा रही है कंपाउंड की डेफिनेशन में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। जैसे कि मैं बात करूं यदि अमोनिया की,
NH3 अमोनिया, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन है 3, तो जो अनुपात आया वो आया 14:3। तो यहाँ पर भी यही बात लागू होगी कि अमोनिया गैस आप लेबोरेटरी में बनाएं या फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त करें, यहाँ पर NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 14:3 होगा। ये बात फिक्स और फिक्स है। तो ये बात हमने कर ली कंपाउंड की। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम मिक्सचर की। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। दो या दो से अधिक टाइप के सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। मगर यहाँ पर रेशो की बात नहीं की जा रही, मतलब यहाँ पर इन एनी रेशो, यहाँ पर कोई भी रेशो में हम मिक्सचर के कंपोनेंट को ले सकते हैं। चलिए इस बात को हम लिखते हैं। अब मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर कंबाइंड इन एनी रेशो। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो सब्सटेंस आपस में मिलेंगे वो क्या कैसे मिलेंगे, किसी भी रेशो पे मिल सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं, हम बना रहे हैं सॉल्यूशन किसका, पानी का और शक्कर का। तो हमने लिया एक गिलास पानी और उसमें हम डालते जा रहे हैं शक्कर। हमने एक चम्मच डाला, हमारी मर्जी। यहाँ पे बात की जा रही है जो मिक्सचर बन रहा है वहां पर रेशो की बात कुछ नहीं हो रही है, वहां पर रेशो हमारी मर्जी का है। हम चाहें तो एक चम्मच शक्कर डालें, हम चाहें तो दो चम्मच शक्कर डालें, या हम चाहें तो तीन चम्मच शक्कर डालें। हम अपनी मर्जी के अनुसार कितना भी क्वांटिटी में शक्कर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर के कंपोनेंट का जो अनुपात है यहाँ पर फिक्स नहीं है। और यही बात डेफिनेशन में बोली जा रही है कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें कंपोनेंट आपस में मिलेंगे, मगर रेशो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। और मिक्सचर, और उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर बोलेंगे। यहां पर अनुपात की कोई फिक्स होने की बात नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है क्या, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जूस हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जूस, सी वाटर, सीमेंट, एयर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मिक्सचर के। अब बच्चों फर्दर मिक्सचर को टू टाइप में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर मिक्सचर को फिर से दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पहला है होमोजीनस मिक्सचर और सेकंड है हेटरोजीनस मिक्सचर। अब मिक्सचर हमने समझ लिया कि मिक्सचर क्या होता है, अब हम समझते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या है और फिर हम समझेंगे हेटरोजीनस मिक्सचर क्या है। पहले हम समझते हैं क्या है होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट वो क्या बनाते हैं, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मतलब कैसा,
जैसे कि मतलब मैंने एक गिलास में क्या लिया, मैंने एक गिलास में क्या लिया, पानी लिया और क्या लिया उसमें नमक डाला, मतलब ये सॉल्यूशन बन गया किसका, वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक पानी का एक घोल बन गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नमक पानी आपस में कुछ इस तरह मिल जाते हैं कि वो एक फेस तैयार कर लेते हैं, मतलब जो नमक के कण हैं वो पानी में क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। यदि आप यहाँ का पानी को का टेस्ट करें तो आपको उतना ही नमकीन लगेगा जितना कि आप नीचे के पानी को टेस्ट करेंगे। तो मतलब जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार होता है। सेकंड यदि मैं बात करूं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और सेकंड क्या है कंपोनेंट क्या करते हैं एक सिंगल फेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब ये होता है कि जो नमक होता है वो क्या होता है सॉलिड, और जो पानी होता है वो होता है क्या लिक्विड। जब हम इस सॉल्यूशन को पिएंगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ ठोस ठोस हमारे मुंह में आ रहा है, हम सीधे सीधे इसको पी लेंगे, एक सिंपल एक सिंगल फेज बन चुका है सॉल्यूशन। तो जो हमको नमक का जो सॉलिडिटी है वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो जो नमक है वो पानी में घुलकर एक सिंगल फेज का निर्माण कर लेता है। तो इस सॉल्यूशन को बच्चों बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। इसका एग्जांपल चलिए देखते हैं, इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये मिटा देती हूँ। एग्जांपल इसका होगा सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। अब मैं बात करती हूँ किसकी, हेटरोजीनस मिक्सचर की। हेटरोजीनस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट रहते हैं जस्ट इसका अपोजिट, जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशन है वो नहीं बनाते और सिंगल फेस में मौजूद नहीं होते, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। कैसे इसको समझे, हमने एक गिलास पानी लिया, पानी में हमने क्या डाला रेत डाला, तो आप देख पा रहे होंगे कि पानी पानी ऊपर और रेत रेत नीचे। तो यहाँ पर सिंगल फेज जैसी कोई बात नहीं है, ऊपर हमें पानी दिख रहा है, नीचे हमें बालू के कण दिख रहे हैं, यानी कि रेत के कण दिख रहे हैं। और दूसरी बात की जाए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की, तो जब रेत अलग है और पानी अलग है तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये जो बालू और रेत का, बालू और पानी का सॉल्यूशन है वो एग्जांपल हो गया हेटरोजीनस सॉल्यूशन का, हेटरोजीनस मिक्सचर का। अब मैं बात करती हूं यहां पर मिक्सचर की और कंपाउंड की। तो कंपाउंड में क्या होता है, जो कंपाउंड बनते हैं कंपाउंड को उनके कंपोनेंट में फिजिकल मेथड द्वारा उनके कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे पास पानी है एक कंपाउंड, और पानी में क्या है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम cannot be separated by physical method, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में हम फिजिकल मेथड के द्वारा कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते। जैसे कि फिजिकल मेथड क्या हो गई,
फिजिकल मेथड एक ये हो गई, फिल्टर करना, छानना। यदि हम पानी को छानेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में अलग नहीं कर सकते। फटकने से क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिजिकल मेथड के द्वारा हम कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते, मगर मिक्सचर की कंडीशन में क्या है, तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन है नमक और पानी का, नमक पानी को हम उबालने के लिए रख देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं, सेपरेटेड बाय फिजिकल मैटर। ठीक, अब कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी की बात हम आज कर लेते हैं। जो कंपाउंड होता है, यानी कि दो या दो से अधिक जो है एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं फिक्स रेशो में, ये तो हमें पता है। मगर बात ये होती है जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है, जिन एटम से मिलकर कंपाउंड बनता है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बनने वाले कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट होती है। कैसे, चलिए हम समझते हैं इसको। जैसे कि H2+O2 ये मिलकर क्या बनता है, H2O। क्या है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक होती है। और इनके मिलने से जो हमारा कंपाउंड बन रहा है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है H2O, वो काम आता है आग बुझाने के। तो यानी कि जो गैस जलने में सहायक है और जो दूसरी गैस जलने ज्वलनशील है, ये दोनों के मिलने से जो एक ऐसा मॉलिक्यूल बना, ऐसा कंपाउंड बना जो कि आग बुझाने के काम आता है। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है, बनने वाले प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कंपोनेंट से क्या है, टोटली डिफरेंट है। यानी कि जो रिएक्टेंट है जिनसे मिलकर हमारा प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी किससे डिफरेंट हो गई, रिएक्टेंट से, यानी कि मिलने वाले जिनसे मिलकर हमारा कंपाउंड बना है उन कंपोनेंट से क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और एक और देख लेते हैं कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं और हमारी ब्रीदिंग क्रिया चलती है, अब इनके मिलने से क्या होता है, क्या बनता है, H2O बनता है। तो हम पानी में डूब के श्वास नहीं ले सकते, मतलब इनहेल नहीं कर सकते। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है H2O की, वो ऑक्सीजन से क्या हो गई, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। आइए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। H2 और O2 मिलकर बना रहे हैं पानी, तो यहाँ जो H2 है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस, ये दोनों मिलकर क्या बनाए, पानी बनाए। मतलब जो प्रॉपर्टी है फिजिकल वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी दोनों से, दोनों कंपोनेंट से टोटली डिफरेंट है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।